मिश्री तो इस बच्चे को जानती है। भैया अरु को बता, ये लड़की कौन है? क्या हुआ है मिश्री? अरे आप दोनों कोई कुछ बता क्यों नहीं रहे? मिश्री क्या हो गया है तुझे? तू अचानक से परेशान क्यों हो गई? मुखी जी आप बताइए, क्या रिश्ता है आपका इस बच्चे के साथ? हाँ भैया, तू ही बता दे कि तू इस बच्चे का जन्मदिन क्यों मना रहा है? उस बच्ची ने कहा था कि ये लड़की बहुत खुश नसीब है, वो अनाथ थी पर उसे बहुत ही अच्छा घर मिला है। महिला अक्सर यहाँ पे उसका जन्मदिन मनाने आता है, बहुत साल से आ रहा है यहाँ पे, 20 साल से ना महिला। 20 साल पहले तो इस लड़की को यहाँ से लेकर गया होगा ना, उसको गोद लिया होगा ना। 20 साल पहले एक लड़की को गोद लिया था? ये बच्ची मिश्री है। तू मेरा भैला नहीं है, मैं तेरी ढिंगली नहीं हूं। हमेशा मेरी ढिंगली रहेगी और मैं तेरा भैला, ये सच कोई नहीं बदल सकता। सब बदल गया भैला, सच तो ये है कि मैं तेरी कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं भैला। क्या? हाँ मिश्री, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करनी है, आप लोग जाइए यहाँ से। क्या हुआ आरू? ये मिश्री इस तरह क्यों बर्ताव कर रही है? जो नहीं होना था वही हुआ। मिश्री को आश्रम जाके पता चल गया कि वो अनाथ है। हे भगवान, इतने सालों से जो बात छुपा के रखी थी वो अचानक इसे कैसे पता चल गई? राजू को पता है क्या? हाँ मुखी जी वही थे। सब लोगों को ये बात पता थी, अब में से किसी ने भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। भला नहीं बोला होगा ना ये बात छुपाने के लिए। दरवाजा तो खोल मिश्री, तो हम सब लोगों से बात करेगी तो तेरा दिल हल्का होगा, तुझे अच्छा लगेगा। मिश्री बाहर आ, देख तुझे कुछ गलतफहमी हुई है, हम बात करते हैं ना, तू बाहर आ। अंदर अकेले कमरे में बैठ के ऐसे रोके कोई फायदा नहीं है मिश्री, तो बाहर हम बात करते हैं ना मिश्री। <श्री। laughs>
मिश्री इस तरह नहीं मानेगी, ये खाली राजे की ही बात मानेगी। कहाँ है राजे? रुको, मैं राजे को ढूंढ के लाती हूँ। रामी बेन, बेन ब्याही माँ बनवावारी छे, इससे गलती हुई। हम बोली गांव का मुखी होने के नाते मेरा फैसला ये है कि अम्बोली गांव के नियम बद्दा मट एक है। कायदे कानून उस नदी के जैसे होते हैं जिसपे शेर और खरगोश एक साथ पानी पीते हैं। कहाँ है बेटा? हुआ था, था? मतलब पैदा होते ही मर गया। नहीं, क्या हुआ? सब कुछ तो अपने हिसाब से हो रहा है। आज मुझे वो सारी चीजें याद आ गई जो राजे ने मुझसे छीनी है। तेरा प्यार, तेरा साथ, तेरे प्यार की निशानी जो राजे के कारण मरा हुआ पैदा हुआ। जश्न मना, रोने का समय नहीं है। तुझे क्या लगता है, मुझे मेरा मरा हुआ बच्चा याद नहीं? रोज खून के आंसू पीता हूं और ये सोचता हूं कि राजे को सजा कैसे देनी है। राजे को सजा मिलना शुरू हो गई है। मैंने मछली को उठा के पानी के बाहर फेंक दिया। जिस अनाथ छोकरी को उसने अपनी बहन बना के अपने सिर पे बिठाया हुआ था, वो अब उससे नफरत करती है। रामी बेन मुखी जी को बुलाने गए थे ना, अब तक नहीं आए। जब मुखी जी की जरूरत है तभी नहीं है वो। मैं उन्हें बुला के लाती हूँ। ढिंगली, ढिंगली, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल ढिंगली। मुखी जी, आप जाइए यहां से। मुझे आपसे कुछ भी बात नहीं करनी है। उतारो भैलो छो ढिंगली। फैसला लिया था, पर वो तो आपकी खुशी के लिए लिया था। पर उस बात पे आप मुझसे नाराज होगी कि मैंने आपसे झूठ बोला, क्योंकि आपकी नजर में झूठ बोलना पाप है। पर आपने क्या किया मुखी जी? आपने मुझसे झूठ बोला। जितनी बार आपने मुझे ढिंगली बुलाया वो सब झूठ था। जितनी बार मैंने आपको भैला बुलाया वो भी झूठ था। 20 साल से आप झूठ बोलते आ रहे हो और मुझसे बुलवा रहे हो। मैं अनाथ हूं, मैं अनाथ हूं, मैं अनाथ हूं, मैं अनाथ हूं महिला। ढिंगली मारी बात सांभर, दरवाजा खोल, मैं समझाता हूं, खोल ढिंगली। मुझे ये बताएंगे कि मेरे माता पिता कौन है? ये जानते हैं मुझे? मिलवाएंगे मुझे उनसे?
इतना मुश्किल है? बेटा मैं तेरा भाईला, तुझे बस इतना जानना काफी। मेरे लिए ये जानना काफी नहीं है। मेरे लिए जो फैसला लेना है आपने मौत ले लिए। आप भगवान होगे, आप बोली गाओगे। मेरे लिए आप सिर्फ झूठे इंसान हो, सिर्फ झूठे इंसान। मोटा भाई, ये लो चाय। अरु का फोन आया क्या? नहीं, अंबोली से। अच्छा एक बात बताओ, मुखी जी ने अरु के लिए नए गहने बनाए या नहीं? मेरा मतलब है कि पुराने वाले तो धर्मी लेकर भाग गई ना। रसिका, मेरी धर्मी ने कुछ नहीं किया है। मेरे बेटे को भी नहीं फंसाया। मेरा बेटा भी ना कई दिनों से गायब है। मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तेरी बेटी ने ही मेरे बेटे को फंसाया है। धर्मी बेटा, बेटा कहाँ है तू? तू ठीक है ना बेटा? तू अंशुल के साथ है क्या? बोल ना बेटा, मुझसे कुछ मत छुपाना। हाँ माँ, मैं अंशुल के साथ हूँ। अरु बेटा, धर्मी का फोन आया था। धर्मी दी, क्या कहा उसने? वो अंशुल के साथ है बेटा। अरु तू वो ठीक है, खुश है, यही काफी है। बेटा तू वहां कोई मुश्किल तो नहीं है ना? जिंदगी तो हर सांस में नई मुश्किल खड़ी कर देती है मम्मी। अब देखो ना, एक मेरी बहन है जिसने अपनी बहन को धोखा दिया, उसका फायदा उठाया, और एक बहन यहाँ है कि अपने भाई से नाराज होती बैठी।
मम्मी मम्मी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। मुखी जी, मुखी जी, चाहिए यहाँ से, चाहिए यहाँ से। मेरे लिए जो पैसे नहीं आए आपने, बहुत मेरे लिए, बहुत मेरे लिए। आमिर सिर्फ झूठे इंसान हो, सिर्फ झूठे इंसान, झूठे इंसान। कितना चैन मिल रहा है राजे, तेरा चैन छीन कर। राजे मिश्री की फिक्र मत कर, वो कमरे से बाहर आ जाएगी, बस उसे थोड़ा वक्त दे। भाई बहन माँ बाप सब कुछ तू है, इसलिए वो तुझसे ज्यादा देर नाराज नहीं रहेगी। राजे तू खाना खा। पूरे गांव के लिए देवता हूं, पर उसके लिए बस एक छोटा इंसान। मुझे अपने महिला को मुखी जी बुलाए, एक झटके में पराए कर दी, क्योंकि मेरे माता पिता उसके माता पिता नहीं है। बस और कोई रिश्ता नहीं हो सकता हमारा। कहते तो लोग यही है राजे कि खून का रिश्ता ही सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है। दूसरे रिश्ते समझने के लिए तो उम्र लगती है ना राजे, अने मिश्री तो अभी बच्ची है। अने मुझे देख, मैंने भी अरु को उसके साथ भेज दिया। अरु खुद अभी 22 साल की है। मिश्री तो अच्छी भली मंदिर में भगवान के सामने पूजा कर रही कि भगवान मेरे भाईला से कहो मुझे माफ कर दे, लेकिन अरु को पता नहीं क्या सोच, बोलने लगे कि चलो अनाथालय जाते हैं, वहां जाके दान धर्म करेंगे। बस ले गई मिश्री को अपने साथ, क्या जरूरत थी अरु को मिश्री को अनाथालय लेके जाने की, वो भी उस दिन जब तू वहां मिश्री का जन्मदिन मना रहा था। इस अरु को सच्ची में कोई अक्ल नहीं कि रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर दोबारा जुड़ते नहीं है। कहाँ जा रहा है राजे? अरु को कुछ मत बोलना, वो नई नवेली दुल्हन है, उसे कुछ नहीं पता क्या कहना चाहिए क्या नहीं। वैसे भी ये तुम दोनों भाई बहन के बीच का मामला है ना, पराए लोग क्या समझेंगे। से कहते हैं एक कंकर से दो बटेर का शिकार करना, समझी अरु? नहीं समझी तो गई। उमा मैं बात करती हूँ मुखी जी से, मैंने आज तक उन्हें इतना परेशान कभी नहीं देखा। तो ये तेरे महान दिमाग की उपस्थिति की मिश्री वहां लाता ले जाए, तेरे दिमाग में ये सब बातें आती कैसे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा जो कुछ हुआ इसमें मेरी क्या गलती है। हाँ मैं मिश्री को धर्मशाला ले गई थी दान धर्म के लिए, तो आप भी दान धर्म करते, आप तो गलत नहीं। तू चले जाते, चले जाने की क्या जरूरत है? तो मुझे कोई सपना नहीं आया था कि वहाँ वो सब हो रहा होगा, मैं तो बस मिश्री को खुश देखना चाहती थी। आपने नहीं देखा होगा पर मैंने देखा है, आपसे माफी ना मिलने के कारण वो कितनी दुखी हो गई थी। अरे जिस महिला को वो सबसे ज्यादा प्यार करती है, जिस महिला को वो इतना पूछती है, वही उसे माफी नहीं दे रहा। किस मिट्टी के बने आप? धोखा तो मेरे साथ भी हुआ, मुझसे भी झूठ बोल के शादी करवाई गई थी, पर मैंने उसे माफ कर दिया ना, ये सोच के कि उसने जो किया अपने महिला की खुशी के लिए किया। और आप है कि एक छोटी सी बात को इलाज से किसी से खींचते ही जा रहे। आप जैसा पत्थर दिल भाई मैंने आज तक बहुत बोल रही है। बात एक भाई और उसकी बहन के बीच की, और तू कोई नहीं है, तू इस घर की सदस्य नहीं है, इस परिवार का हिस्सा नहीं है।
तू सिर्फ एक मेहमान है, वो भी थोड़े दिनों के लिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.